हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं आज आप लोग के लिए केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर सेकंड यानी एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड लेकर आप लोग के साथ में हाजिर हूँ। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि जो इसका उद्देश्य है वो दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान करना है। प्रैक्टिकल नंबर पहला था, उसका भी यही उद्देश्य था, इसका भी यही उद्देश्य है। लेकिन अब जो सॉल्ट जो हमें मिला हुआ है वो सॉल्ट दूसरा है कोई, तो हमें उस तरीके से इसको कैसे इसको वेरीफाई करेंगे हम, उसकी बात इसमें करने वाले हैं। तो हमें इसमें आवश्यक उपकरण जो हैं वो टेस्ट ट्यूब, बीकर, बर्नर, फिल्टर पेपर आदि चीज़ें हमें इसमें हैं लगती हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रेक्षण सारणी बना ली है जिसमें अम्लीय मूलक की पहचान किस प्रकार करते हैं हम लोग सबसे पहले इसी को चेक करते हैं। तो अम्लीय मूलक को पहचान करने के लिए हम लोगों ने इसमें प्रयोग नंबर वन में परखनली लिया और उसमें थोड़ा सा मिश्रण लेकर जो हमारे सॉल्ट मिला था उसका मिश्रण लेकर H2SO4 डाला, तो कोई क्रिया नहीं हुई। इसका मतलब ये हो जाता है कि फर्स्ट अम्लीय ग्रुप जो मूलक होते हैं वो क्या है, हमारे यहाँ पर अनुपस्थित हैं। तो फिर हम दोबारा परखनली में थोड़ा सा मिश्रण लेते हैं और अब की बार सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर गर्म करते हैं, तो तीक्ष्ण गंध युक्त गैस निकलती है। इससे कन्फर्म और मतलब संभव हो जाता है कि Cl- से निकल रहा है। अब उसके बाद परखनली के मुख पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भीगी हुई कांच की छड़ ले जाते हैं। जैसे ये मान लो छड़ है हमारी, इसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप कर लें और फिर इसको ले जाएं, तो सफ़ेद गहरे रंग का धुआं निकलने लगता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि Cl- यहाँ पर निश्चित ही है। फिर हम मिश्रण के तनु HNO3 से मिलाकर AgNO3 को डालते हैं, तो सफ़ेद अवक्षेप हमें मिल जाता है, प्रेसिपिटेट मिल जाता है, जिससे कन्फर्म हो जाता है कि इसमें Cl- निश्चित है हमारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें, आप लोग लिखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप लोग बढ़िया से अपने प्रैक्टिकल फाइल में बढ़िया से सजा के लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्षारीय मूलक की पहचान करते हैं, तो क्षारीय मूलक की पहचान करने के लिए हम लोग ऐसी सारणी इसमें फिर से बना लेते हैं जिसमें हम लोग पाँच एक्सपेरिमेंट करना है। पहला, परख नली में थोड़ा सा मिश्रण लेके NaOH मिला के गर्म करते हैं, तो अमोनिया की गंध नहीं आती, मतलब शून्य ग्रुप अनुपस्थित है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट में कोई अवक्षेप नहीं मिला, मतलब प्रथम ग्रुप भी अनुपस्थित। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें भी कोई अवक्षेप नहीं मिला, मतलब तृतीय ग्रुप भी अनुपस्थित हो गया। फिर हम लोगों ने चौथा एक्सपेरिमेंट किया और उसमें द्वितीय समूह से जो उसका सॉल्यूशन बना था उसको लिया और उसमें 5 मिनट तक उसको उबालते हुए पानी में रखा, फिर ठंडा करके ठोस अमोनियम क्लोराइड डाला और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, तो अधिक मात्रा में मिलाया, तो उसमें सफ़ेद कलर का हमें अवक्षेप मिला, जिससे यहाँ कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पर Al3 क्या है, यहाँ पर संभव है। फिर जो यहाँ से तीसरा का सफ़ेद अवक्षेप मिला उसको लिया और उसमें डाइल्यूट HCl मिलाया, कम से कम मात्रा में, बूंद बाई बूंद, यानी डिप हम लोग डिप बाई डिप करके डालते रहते, ड्रॉपर से थोड़ा थोड़ा डालते हैं, तो सफ़ेद अवक्षेप NaOH का मिला जो जो NaOH में आसानी से घुल जाता है। इससे कन्फर्म हो जाता है कि Al3 यहाँ पर है। और फिर इसके बाद में हम लोग इसका परिमाण लिख देते हैं जिसमें हमें दिए गए अकार्बनिक अज्ञात मिश्रण में निम्न अम्लीय मूलक तथा क्षारीय मूलक है, कौन सा अम्लीय मूलक है, क्लोरीन माइनस, और अब जो हमारा क्षारीय मूलक है वो कौन सा, एल्यूमिनियम 3+ हमारा मूलक हमें मिल जाता है। तो आप लोग इसे बढ़िया से अपने फाइल में नोट डाउन कर सकते हैं जैसे ही मैंने किया है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो कि हम लोग कल लेकर आपके साथ में हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, और कोई अगर आप कोई कमी है, कोई जो चीज़ की ज़रूरत है आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं उसको भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। और हाँ, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।